इनके सबको देख के और आप सबको देख के यहाँ उपस्थित मुझे बड़ी खुशी हुई है। आप लोग सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इतनी भारी संख्या में यहाँ आके हम सबका स्वागत किया है। बहुत बहुत आप लोग सबको लेडीज सबको पुरुष भाई सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज आज के पदक के प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में मैं जब आ रही हूँ करीबन 9000 किलोमीटर पूरा कर लूँ राजस्थान के छठा संभाग जिसमें हम लोगों ने काम चालू किया एक सातवां संभाग में हमारा बात किया है और मैं ये एक महीने के अंदर उसको खत्म करूंगी। मेहनत बहुत हुई है परंतु इस गर्मी इस बरसात इस धूल और इसके अंदर इतना प्यार मिला है इतना प्यार मिला है कि मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि राजस्थान की जनता राजस्थान के इस परिवार के प्यार के कायल हैं। हम इसी के पीछे दौड़ते हैं इसी के पीछे आप हमें कुछ भी करा लो। अभी कई तो आपने चुनरिया पहनाए ये भी एक प्यार का प्रतीक था विश्वास का प्रतीक था। जगह जगह पे आप लोगों ने चुनरिया पहनाई उसमें सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि आज दिन तक आप मैं कहा था कि मेरी ये चुनरी के साथ हम सबकी इज्जत जुड़ी हुई है इस इज्जत के ऊपर आँच नहीं लगनी चाहिए। और माताएं बहनों और भाई और बुजुर्गों मैं आप लोग सबको ये कह सकती हूँ कि अभी तक आप लोग सबकी इज्जत के अंदर कोई भी किसी किस्म का कलंक नहीं किया है कितनी भी इन्होंने कोशिश में कमी नहीं छोड़ी। पिछले 4 साल से हम लोगों के पीछे लगे हुए हैं कभी कमीशन लगाते हैं कभी आईएएस लगाते हैं कभी फाइलों को खंगालते हैं इनमें सब कुछ करके वो आज दिन तक ऐसा कुछ की ऊपर भी उंगली नहीं लगा पाए जिससे आप सबके चार माने आप सबके किसी भी तरीके से कलंक लगे। मैं इसीलिए आपको कह सकती हूँ कि ये 4 महीने में 3 महीने में जो मैंने देखा उससे मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं पूरे राजस्थान की क्यों बात आप लोगों से करूँ सबसे पहले तो मैं फतेहपुर की बात करूं। मुझे मालूम है कि फतेहपुर के अंदर कितनी कितनी वैसे भी आप लोगों को मुसीबतें होती आ रही बिजली की कमी है पानी की कमी है सड़क ये सब एरिया की कितनी हालत खराब है और ये क्षेत्र आपका है इतना सुंदर है इतनी अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर हवेलियां है परंतु क्या गंदगी है क्या गंदगी है क्या मैंने सफाई नहीं है ये सब चीजों को करने के लिए सरकार और सब लोगों को मिलकर करना पड़ता है। कोई एक व्यक्ति इस चीज को बदल नहीं सकता और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 4.5 साल अपन ने दे दिए ये 4.5 साल के अंदर कुछ नहीं कर सके और इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने कह रही हूँ कि 53 साल अपन ने दिए हैं एक सरकार को कांग्रेस को अकेले अगर मेरा टाइम निकाल दो भैरव सिंह जी का टाइम निकाल दो तो 53 साल अपन ने कांग्रेस को दिए और इस 53 साल के अंदर कांग्रेस आपकी भूल भूल सुविधाएं आपको नहीं दे पाई है तो आपको आगे बढ़ाएगी तो कैसे बढ़ाएगी जब यही छोटे काम नहीं हो पाए तो बड़े काम होंगे कैसे। मैं अभी पूछ रही थी कि हमारे प्रदेश का विकास दर क्या है तो आप हमें बता रही हूँ कि बिहार का विकास दर आज 16% हो गया है और राजस्थान का विकास दर 5% है। आप बताओ कि बिहार जो हमारे कितने पीछे रहा करता था आज बिहार और राजस्थान के बीच में जब इतना फर्क हो गया है तो राजस्थान की तो नाक कट के रह गई है। मैं तो समझती हूँ हमारी वजह क्या है हम लोग सब कलंकित हो गए 53 साल के बाद अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ सके। गुजरात निकल गया गुजरात दुनिया के पर्दे के ऊपर छा गया मध्य प्रदेश निकल गया देश के एक पर्दे के ऊपर छा गया तमिलनाडु निकल गया कर्नाटक निकल गया सब प्रदेश निकल गए बस हम ही रह गए। क्यों रह गए हम इसलिए रह गए हैं कि एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है ये एक पार्टी के हाथ में भी नहीं है। जिन लोगों को हम लोगों ने ये सौंपा था उन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और इसीलिए आज माताएं बहने हम अपनी इज्जत के लिए अपने परिवार की इज्जत के लिए और हमारे एक नए राजस्थान के सपने के लिए मिल के हम लोगों को लड़ाई लड़नी होगी नहीं तो ये काम नहीं होगा। मैं सबको कह दिया कि आज दिन तक कांग्रेस ने हम लोगों के बीच में भेदभाव करके लड़ाई झगड़े करवा के दीवारें खड़ी करवा के एक दूसरे को झगड़ा कराया हमारे वोटों का फायदा उठाया। आज मैं सबको कह रही हूँ चाहे वो किसी भी मजहब का हो चाहे वो किसी भी जात का हो 36 के 36 कौन को एक आवाज में अपने साथ चलने की जरूरत होगी नहीं तो रोज हम लोगों को मुसीबत होगी। जिस तरीके से बेचारे सरपंच बैठे
जिस तरीके से उनके ऊपर गंदे बरसाए पुलिस वालों ने, और ये क्यों बरसाए, इसलिए बरसाए कि वो आए थे कहने के लिए हमारा हक हमको दे दो, हमको गाड़ी दे दो ताकि हम हमला कर सके, हमको मदद कर दो, पैसे का इंतजाम कर दो ताकि हम गांव के अंदर आप लोगों को जो देना है वो सब दे सके, छोटे रोड बनाए, गलियां बनाए, पानी का इंतजाम करे, सफाई कराए। ये कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में 1 करोड़ रुपया हम लोग दिया करते थे, परंतु आज अगर मुश्किल से इन लोगों को 10,000 रुपये मिल जाते हैं तो गरीबत है, तो 10,000 रुपये में गाँव की क्या हालत होगी और कहाँ और कैसे बनाया जाएगा। और जब कोई आता है कहने के लिए तो सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है, सबसे पहले डंडे उठाती है, उसके बाद बंद करती है, उसके बाद केस फाइल करती है, और उसके बाद आप लोगों को गला दबोच के भाई के भाई छोड़ देती है। आज मैं आप लोग को बताऊं, फतेहपुर के अंदर ब्रिजलाल जी मरीचा वकील, आप लोगों ने सबने उनका अच्छी तरह से नाम सुना, कितने दिन हो गए उनकी हत्या हुई, कितने दिन हो गए, 1 महीना से ज्यादा हो गया। और ऐसा नहीं छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, बहुत ऊंचा सब लोग जानते हैं इस व्यक्ति को, उसके बावजूद भी आज दिन तक 1 महीने के अंदर भी खुलासा नहीं हुआ है। अरे माताएं बहने, आप में से कितने लोगों की इज्जत लूटी है, कितने लोगों के अत्याचार हुए, कितने बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ है, जयपुर से लेके पूरे राजस्थान के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है। आज ये स्थिति है, अगर हमारी महिला सुरक्षित नहीं है हमारे घर के अंदर, हमारे व्यवसाय हमारे नहीं सुरक्षित है, हमारे काम करने वाले लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चे यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो फिर राजस्थान में किस तरीके से हम जिंदा रहेंगे और कैसे राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करिए, बताओ तो सही। ऐसी सरकार को बैठना चाहिए क्या कुर्सी पे? मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसी सरकार को कहीं भी बैठना चाहिए। सब लोगों को यह तय कर लेना चाहिए कि जो लोग हमारी महिला और हमारी बहू और बेटी की इज्जत को नहीं संभाल के रख सकते, ऐसी सरकार को कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। अपनी महिला, उसका स्वाभिमान, उसकी इज्जत, वो हम सबकी इज्जत है, और जो सरकार इसको नहीं संभाल सकती उसको उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। ये मैं आज आप लोगों के बच्चों को ये कहना चाहूंगी। मेरे पास इतने सारे बच्चे आए, सब लोगों ने मुझे ये कहा कि टेट का एग्जाम है, हमारी इतनी मुसीबत हो रही है। मैंने उनको सबको कहा कि व्यवस्था हम बनाएंगे, आरपीएससी की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर आप लोगों को सबको न्याय मिला। और मैं आप लोगों को ये फिर विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आरपीएससी की व्यवस्था में अपन फिर से वापस जाएंगे ताकि हमारे बच्चों को फिर से नौकरी मिले, उन लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं हो, किसी भी हालत में उनको जिस तरीके से अपनी सरकार के टाइम में 10 लाख नौकरियां मिली थी और इस सरकार के टाइम में कुछ नहीं मिला है, वैसे मैं फिर से आपको ये कहना चाहूंगी कि आने वाले समय के अंदर नौकरियों का इंतजाम हम लोग करेंगे ताकि हमारे बच्चों को ये काम हो सकेगा। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज टेट की परीक्षा में क्योंकि 60% से कम अंक वालों को नियुक्ति नहीं देने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए जयपुर के अम्बेडकर सर्कल में एक शांतिपूर्वक बच्चों का प्रदर्शन हो रहा था। ये सब सचिवालय जा रहे थे, इसमें महिला भी थी पुरुष भी थे, जोरदार लाठीचार्ज अभी अभी हुआ है और इसमें हमारे लड़के हमारी लड़कियां जोरदार तरीके से घायल हुई हैं, कुछ जेल के अंदर भी बंद हो गई हैं। और आपको ये भी बताऊंगी कि सरकार को लाठियां में हमें कोई बख्शा ही नहीं है, उन लोग को जेल के अंदर भी बंद कर दिया। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि जब सरकार के सामने अपनी तरफ से कोई बात करने के लिए आता है तो इसी तरीके से लकड़ियां बरसाई जाती है, इसी तरीके से लोगों को नुकसान दिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। ऐसी सरकार जो किसी की आवाज को सुनना नहीं चाहती, ऐसी सरकार को 1 मिनट में उस कुर्सी में बैठने का हक नहीं है। मैं कहती हूँ कि उन लोगों को जितने जल्दी हो जैसा मौका मिले तुरंत ही उन लोगों को उठाने का काम करना चाहिए। भाइयों बहनों, आप सब जानते हो कि अब 4.5 महीने बाकी बच रहे हैं, आप लोगों को तो कुछ दिया नहीं। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां तो फ्लोराइड का पानी है, खारा पानी है, बहुत नीचे चला गया पानी, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए पानी मिलता है। आज ये स्थिति है और पानी की समस्या किसी ने सॉल्व नहीं की, बिजली की समस्या किसी ने नहीं ठीक की, बिजली की भी समस्या आपकी जो आपको बिजली चाहिए थी 24 घंटे, माताएं बहने मैंने ये तय किया था कि अपनी सरकार रह जाती तो आपको वो घरेलू बिजली जो अलग से मैंने लाई थी वो 24 घंटे आपको देने का हमने काम करना। और मैं आज भी कह रही हूँ आपको कि सरकार अपनी आएगी तो सबसे पहले 24 घंटे बिजली हमारी महिलाओं को देने का काम हम लोग करेंगे, ये आपको सबको विश्वास दिला रहे हैं। और साथ में आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये काम हम लोगों को मिलकर करना पड़ेगा, हम लोगों को अपने बिजली का इंतजाम, अपने पानी का इंतजाम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, यह जादू आप लोगों का है।
ये आपके जादू को हम लोगों को आगे ले जाने की कोशिश करनी है। मैं आज यही पूछने आई हूँ आप लोगों के अंदर, हिम्मत है तो बताओ कि हम लोग इस चीज को, इस किस्म के, इसके खिलाफ, इन पाप के खिलाफ लड़ने को तैयार है क्या? सब लोग मिलकर लड़ेंगे। ये विश्वास हम आपको दिलाना चाहते हो कि जिस दिन आप लोग ये काम करने की तैयारी कर लेते हो, उस दिन एक नया राजस्थान पैदा होगा और हम लोग चल के उसको समृद्ध, खुशहाल और मजबूत राजस्थान बना के छोड़ेंगे। माता बहने, आप लोगों से मैं सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ। हम आपके सामने आ रहे हैं आपको सौगाते, खेलाते, सोने के दीपक, मने बंगले, दूध की नदी, आपको जैसा चाहिए वैसा आप मांगो, वो सब आपके लिए हो जाएगा। आपको नौकरी नहीं मिली, चलो पैसा ले जाओ, पेंशन भी ले जाओ, चावल नहीं मिला तो पैसा ले जाओ। आपको बात तो सही है, कुछ भी चाहिए आप तो पैसा ले जाओ उसकी जगह पे। मैं तो कह रही हूँ कि अभी स्थिति बन गई है तो उनमें आपको कुर्ता पजामा बच्चों के लिए भी दे दिए, अब एक थाली और दो कटोरी भी दे देंगे, उसके बाद कह देंगे कि हाँ पेट्रोल बहुत ऊंचा चला गया, थोड़ा सा नीचे। जैसे हम बाजार में जाते हैं ना तो कहते हैं कि जब आएगा कोई हमसे बात करने के लिए तो उसको 15 रुपए बता दो, अपना दाम है 10 रुपया और वो अपने से झगड़ा करेगा तो इसलिए 2 रुपया पर नीचे लाएंगे। उसी तरीके से पेट्रोल का रोज रोज दाम ऊपर जाता है, उसी तरीके से डीजल का दाम भी रोज रोज ऊपर जाता है। लाएगा तो 1 रुपया, 2 रुपये नीचे लाएगा और फिर 3 रुपये ऊपर कर देगा, ये रोज रोज का दाम। अभी पैसे टू पैसे इनने डीजल बढ़ाया है और मैं आपको बता रही हूँ कि निर्णय लिया है इन लोगों ने अंदर अंदर कि हर महीने 50-50 पैसे अपन बढ़ाते जाएंगे। तो जनता को तो समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमने तो अपने को, जनता को तो अपने घेरे में कर ही लिया है। पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा तो महंगाई सबको बढ़ेगी, आपका गैस बढ़ेगा, सब्जी बढ़ेगी, आपका मैंने साइकिल के पैसे बढ़ेंगे, आपके घर बच्चों के फीस बढ़ेंगे, सब चीज बढ़ेगी। कौन सी चीज रुक सकती है? और महंगाई तो इतनी कमर तोड़ हो गई है और रोज रोज बढ़ती जा रही है, रोज रोज बढ़ती जा रही है। अभी बिजली के भी दाम बढ़ाने की बात चल रही है। मैं तो ये कह रही हूँ कि आज इन लोगों ने सुबह सुबह एक अपना कैबिनेट मीटिंग किया है। मैं जिस तरीके से कल मैंने सब लोगों को कह दिया था कि फिर कोई नई सौगात आएगी तो बाड़मेर के लिए 1400 करोड़ रुपए, ये कोई भी कुछ होना जाना नहीं है, 4 महीने के अंदर ये कोई कुछ काम नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इतना ही पूछती हूँ कि आपको वाकई में पानी पिलाना था तो जिस तरीके से हम लोगों ने 761 रुपए नागौर के अंदर लाके उनको पानी पिला दिया, वादा किया तो पानी पिलाया और 500 गांव छोड़ के गए थे कि आप लोग आओगे तो आप पिला देना, ये 500 गांव को 5 साल में पानी नहीं पिला सके हैं तो ये क्या वादा पूरा करेंगे? ये मैं आप लोग सबसे पूछना चाहती हूँ। ये सब चुनाव के इसी तरीके से कहलाते हैं और सब पूरी जनता जानती है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, ये आप ही का पैसा है, ले लो, इसको छोड़ना मत। अगर छोड़ोगे तो ये काले धन में जाएगा और वो भी जो इन्होंने अपने अपने बैंक में स्विट्जरलैंड में रखा हुआ है वो सब वहां पहुंच जाएगा। इसलिए अपना पैसा ले, परंतु जब समय आएगा तो ये याद रखना कि अगर हमको वो राजस्थान बनाना है जिसमें हमारी महिला इज्जत के साथ चले, वो राजस्थान बनाना है जिसमें हमारे बच्चों को रोजगार मिले, वो राजस्थान बनाना है जिसमें हमारे किसान को मजबूत खड़ा करे, अगर वो राजस्थान बनाए जिसमें फैक्ट्री बने और जिसमें व्यवसाय अपना काम लगाए, तो फिर हम लोगों को सबको साथ मिलकर चलना होगा और एक ऐसी सरकार होगा बनानी पड़ेगी जो है जनता की सरकार, जो सोचती है जैसी जनता सोचती है और हम लोग मिलकर ये काम करेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि ये काम होके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए जोर का नारा मेरे साथ, जय जय राजस्थान, राजस्थान के लिए जोर का नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। और बहुत सारा धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी का नारा भी आप लोग लगाएंगे जोर से, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सब लोगों को बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद। आप लोग सब इतनी भारी संख्या में यहाँ आए कि मैं विश्वास करके यहाँ से जा रही हूँ कि आने वाले समय के अंदर इसी तरीके से ये सेवा चल रही और बहुत सुंदर राजस्थान बनाने का काम करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार।